हेलो गाइस, आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम फजल है और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो आईटी के 6 सेमेस्टर के अंदर एज अ कोर सब्जेक्ट आता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और उसका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ उस सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें करने ही करने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हम अगर स्किप करेंगे तो चलिए कुछ स्ट्रेटेजीज होगी कि किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्लियर करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये वीडियो है उसको हम थोड़ा बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, मोटिवेशन जो है वो हर कोई देता है, हर कोई ये कहता है कि आपको पूरे दिन पढ़ना चाहिए, पूरे दिन नहीं तो बट एटलीस्ट इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं, आपके प्रोफेसर्स कहते हैं, अगर आपके कोई खास दोस्त है जो पढ़ाकू है वो आपको कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि आपको पढ़ना है, हर रोज पढ़ना। बट ये मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, पागल की तरह हर रोज पढ़े जा रहे हो, हर रोज रिविजन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉजिटिव कर्व्स नाम का एक फंडा आता है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जो पढ़ते या हम जो चीज याद करते हैं उसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फर्स्ट डे से, जिसके अंदर हमने आज हमारा जो फंडा था वो क्लियर किया। अब कैसे पढ़ेंगे हम, हो सकता है हर किसी का जो वे ऑफ लर्निंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरा वे ऑफ लर्निंग है कि मैं सबसे पहले वीडियोस देखता हूँ, अगर वीडियोस में कुछ समझ में नहीं आता तब मैं जाके अगर कुछ रेफरेंस बुक है उसको, बट स्टार्टिंग में हमेशा वीडियो से स्टार्ट, ये मेरा वे ऑफ लर्निंग है। मैं वीडियो देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स है या फिर जो मटेरियल है उसको पढ़ता हूँ, देन जो फंडा होता है, जो उसका जो टॉपिक होता है वो मेरे माइंड में क्लियर हो जाता है। उसके बाद मुझे ना लिखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, एक वे है। किसी का ऐसा वे हो सकता है कि उसको याद सिर्फ और सिर्फ लिखने से हो, आप लिखने से स्टार्ट कीजिए। देखो, जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझ पर काम करे वही चीज आप पे काम। ठीक है, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं जोर से बोल के पढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है। आपको मौन होके पढ़ना है, आपको माइंड में पढ़ना है, जैसे पढ़ना आप पढ़ सकते। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ये आपका वे ऑफ लर्निंग है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका वे ऑफ लर्निंग क्या है, जिस मोड में आप पढ़ते हो तो आपसे बेहतर पढ़ा जाता है। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि सुबह उठ के पढ़ो तो अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़े यूट्यूबर्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये कहेंगे कि रोज सुबह उठो, सुबह उठने के साथ आप योगा प्राणायाम करो या फिर फलाना ढिकना करो, फिर आप पढ़ाई करो, सुबह जल्दी स्टार्ट करो अपना दिन, सारे लोग सो रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका वे ऑफ लर्निंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चीजें रात को याद रहती है तो रात में पढ़िए, अगर आपको ये सुबह याद रहती है तो सुबह पढ़िए। मुझे सारी चीजें दोपहर में याद रहती है और मैं दोपहर में पढ़ना बहुत ही प्रिफर करता हूँ। मॉर्निंग में मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ या फिर अगर मुझे कुछ करना है, बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा है। मैं सुबह नहीं पढ़ता, मैं सुबह पढ़ना प्रिफर नहीं करता और रात को भी मैं नहीं पढ़ता। जो मेरा प्रोडक्टिव आवर्स है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो सबसे कीमती समय जहाँ पे हमारा माइंड सुपर एक्टिव होता है, वो मेरा है दोपहर। मैं दोपहर के अंदर काफी अच्छे से पढ़ता, ठीक है, और मैं इसी में पढ़ता हूँ। और इसमें जा क्या मैं पढ़ता हूँ, मतलब जो पूरे सुबह लेके मैं शाम तक जो 4 टॉपिक करने होते हैं उसका टॉपिक जो मैं दोपहर में अगर पढ़ता हूँ 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में हो जाए। ठीक है, तो आपको आपका वो टाइम फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, शाम में हो सकता है, रात को हो सकता है, या तो फिर आधी रात को भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई फॉलो रूल करने की जरूरत नहीं कि सुबह उठो सुबह ही पढ़ो, आपका जब मन करे तब पढ़ो, और हर रोज मत पढ़ो। किस किस ऑर्डर में पढ़ना है कि फर्स्ट डे हमें स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम फंडामेंटल सीखेंगे, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ें। अगर आज आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर लिया है तो आज के दिन के अंदर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही पढ़ेंगे, या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करें वो फर्स्ट डे ऐसा होगा जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा और कोई और चीज हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा। उसके रिलेटेड आपने मेरी वीडियोस देखी, मेरी वीडियोस आपको समझ में आ ही जाएगी। अगर नहीं आई बाय चांस तो वापस से भी उस वीडियो को देखें, उसके जो पीडीएफ जो मैंने आपको दी है उस पीडीएफ को पढ़िए,
ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत गूगल कीजिए, चैट जीपीटी से पूछे, बार्ट से पूछे, बार्ट का नाम अभी तो चेंज हो चुका है, इससे पूछे, काफी सारे रिसोर्सेस है, वहां पे जाइए और आप उस टॉपिक को समझेंगे स्टार्ट। आज के दिन के अंदर फर्स्ट डे के अंदर जब हमने फर्स्ट चैप्टर लिया उसको पूरा हमने कवर कर लिया, और मेरे ये मानो तो स्टार्टिंग ऑलवेज ऐसे करो कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ, उसमें से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो उस पर ज्यादा फोकस करो, जो नहीं है उसको एटलीस्ट एक बार तो रीड करना ही चाहिए, क्योंकि एक पूरी फॉर्मेट होती है ना मूवी स्टार्टिंग से देखी जाती है। अगर मूवी की हम बात करें तो बीच बीच की ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि अगर एक्शन मूवी देख रहे हो तो सीधा क्लाइमेक्स पे चले गए, आगे का हमें नहीं देखना, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे नहीं हो। उस वो क्लाइमेक्स तक हम कैसे पहुंचे, उसमें हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हीरो और विलन लड़ रहे हैं, क्या हुआ, वो सारी चीजें जानने के लिए हमें आगे की सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसका पास्ट पता होना चाहिए। तो वैसे ही ऑलवेज स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन से, एटलीस्ट एक बार तो रीड कीजिए ताकि आपको पता चले कि उस चीज में क्या है। फर्स्ट डे हमने रीड किया, फर्स्ट डे के बाद हमें अब कब पढ़ना है, फर्स्ट डे के बाद हमें उसको रिकॉल करना है, वो हमारा थर्ड डे होगा। तीसरे दिन हम इसको जो हमने फर्स्ट डे हमने पढ़ा था, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े थे उस सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, उस सारे टॉपिक्स की हमें समरी लेनी है, उस टॉपिक्स को हमें वापस रिवाइज करना है, किसे किसे तीसरे दिन के अंदर हमें रिवाइज करना, तीसरे दिन के अंदर हम ये सारी चीजें हम वापस रिवाइज करेंगे जिसका हम रिविजन बोलेंगे। तीसरे दिन हम पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन कंपेयर टू द फर्स्ट डे हम थोड़ा सा टाइम कम करेंगे, लेकिन हम उसको रिवाइज जरूर, ठीक है। थर्ड डे हो चुका, अब हम सीधा पढ़ेंगे या फिफ्थ डे पे या तो सिक्स डे, पांचवें दिन पे पढ़ो या तो छठे दिन पे पढ़ो, आपकी मर्जी, आपको जब पढ़ना वो आपको आपके हिसाब से। तो फर्स्ट थ्री एंड सिक्स या फाइव आपको जो लगाना वो आप लगा सकते हो। अब सिक्सवें दिन जो आपका लास्ट डे होगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा था उसको पूरा कंप्लीट करना है, वापस से रिवाइज करना है, और ये ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप तीसरी बार किसी चीज का रिविजन कर, ठीक है। ये हो जाए, इस तरह से आपने पूरे सब्जेक्ट को कर लिया, फिर आपको उस सब्जेक्ट अगर लिखने की आदत है, मेरी लिखने की आदत नहीं है, मैं कभी नहीं लिखता कुछ भी चीज, मैंने कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं की, एग्जाम में जाके लिखता, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो बाद में जाए, ठीक है, ऐसा मेरा होता है। और मुझे ऐसे ही, मुझे इससे पहले कई लोगों ने बोला था ऐसे पढ़ो, लिख के पढ़ो, मुझे लिख के नहीं होता है, मैं सिर्फ ऐसे पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए टेक्निक काम करती है, आप भी ट्राई कीजिए। सिक्स हो गया दिन अपना, फंडा हो गया, अब उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को हमें नहीं लेना, अब उस टॉपिक को हम कब रिवाइज करना है, आफ्टर वन मंथ, या फिर आप 20-30 दिन के बाद आप उसको वापस से रिवाइज करो, या फिर आपकी जब एग्जाम होगी तब रिवाइज करो। इससे क्या होता है कि आपने एक ही चीज को तीन बार किया तो आपका जो माइंड है उसके अंदर वो फंडा एकदम से क्लियर हो चुका है, और आपको फर्स्ट डे आपने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो आपके माइंड से जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी हाई है। तीसरे दिन वापस उस चीज को आपने रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं, आपकी मेमोरी इतनी तो शार्प है कि दूसरे दिन याद रखें। तीसरे दिन आप वापस पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आप भूल चुके होंगे, वो वापस से याद हो जाएगा, और आपकी जो उस चीज को समझने की अंडरस्टैंडिंग थी वो वापस से बढ़ जाएगी, और छठवें दिन या फिर पांचवें दिन आप पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आसानी से समझ पाएंगे, और कोई सा भी टॉपिक में से, मतलब वो जो आपने इन तीन दिनों में जो पढ़ा है, अगर उनमें से कोई भी टॉपिक कितना भी घुमा कर अगर एग्जाम में पूछेंगे आपको आई जाए, ठीक है। तो यही फंडा है कि 1-3-6 के डे हिसाब से आपको पढ़ना है, हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं वो पागल है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज किया है, आप भी जरूर यूज कीजिए, और अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप यूज करते रहिए। उसके अंदर थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको करना है तो। कई बार हम 1, 5, और 15 डेज काम करते हैं, ये हर किसी का किसी, मतलब आपके पास तीन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो तीन दिन के बाद उसको रिवाइज कीजिए, अगर आपके पास पांच सब्जेक्ट है तो 5 दिन के बाद उस चीज को वापस रिवाइज कीजिए। किसी भी फॉर्म में आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं, ये एक मेथड है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन थी, जो स्टडी टिप्स थी जो मैंने आपको देनी थी वो मैंने दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है। अब तक हमें पता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी वो बंदा जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है। तो सर क्या हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, क्या हम लोग कोडिंग करेंगे? बट सर हमें तो कोडिंग आता ही नहीं, हमें तो कोडिंग कभी सीखा ही नहीं, और हमें तो कोडिंग में इतना मजा आ रहा है कि सर बड़ा मजा आ जाएगा। तो बैड न्यूज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको एक थियरी है जो आपको पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक
गाइडलाइंस है, गाइडलाइन की बहुत बड़ी बुक है जो ये कहती है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो आप इस तरह के रूल्स, इस तरह की गाइडलाइंस, इस तरह के प्री डिफाइंड जो हमने प्रीसेट तैयार किए उसको आपको फॉलो करना है, तो आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो सॉफ्टवेयर बना है वो फेल होने से उसके जो चांसेस है वो कम हो जाए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पर्पस है यही है। ये इसके अंदर काफ़ी सारे हम मैथडोलॉजीज यूज करेंगे, अजाइल हो गया, वॉटरफॉल हो गया, वो तो सारी हम बहुत सारी चीज़ें हम जो टेक्निक से ये चीज़ देखेंगे। जो पास्ट के कुछ डेवलपर्स थे वो कहते हैं ना कि किसी और की गलती से सीखेंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, तो वही चीज़ है कि पास्ट में किसी और ने कुछ गलतियाँ की होगी और उस गलती को कैसे सुधारा उन लोगों ने और उनके अकॉर्डिंग किस तरह की गाइडलाइंस वो बनाना चाहते थे वो बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा फंडा है कि अगर आप चाहो तो आप फॉलो करो, कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई ऐसा कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रूल्स है, रेगुलेशन, वो आपको फॉलो करना ही करना। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे कि रूल्स है कि 18 से पहले आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, एक रूल है। फॉलो कोई करता है, कोई नहीं करता, इवन मैं भी नहीं करता। तो ये सारी चीजें है कि एक रूल बुक है जो आपको दी गई है, बट कंपलसरी नहीं कि आपको ये चीज फॉलो करनी ही कर, नहीं करोगे आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, बट इस वे में करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फेल होने से बच जाएगा, इसके चांसेस काफी कम। ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो, ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद भी आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स आप अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप की जो जर्नी अगर उसमें यूज कर रहे हो, फिर भी आपके चांसेस है, बट कंपेयर टू द अगर नहीं फॉलो कर रहे उससे कम हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फेज होंगे, इसके अंदर हम वो बात कर लेते। इसके अंदर देखो ये जितना भी है ना, ये पूरा सर्कल उतना ही हमारा सिलेबस, उस उतना ही हमें करना है। सबसे पहले हमारा है कि प्लानिंग, सबसे पहले हमें यह प्लान करना है कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है। हमारे जो कस्टमर है वो कह रहा है कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर की हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जांपल दिया है। अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो और अगर उस कोर्स को देख रहे हो तो आपको मैंने पूरा एक एप्लीकेशन का हमने एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा डिस्कशन आउट किया। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम प्लान आउट करेंगे, जो अपना कस्टमर होगा उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उसकी प्लानिंग और उसके जो रिक्वायरमेंट्स के उसको गैदर करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे कि हम कौन कौन से हम ऐसे फीचर्स है वो ऐड कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज का हम यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस फेज में करते हैं जो हमने, और हम एनालिसिस फेज के अंदर कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मानो कि रिक्वायरमेंट अगर यूजर की कुछ ऐसी हो जो हमें समझ में ना आए और बाद में हमें समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने अपने एंड से हम कुछ उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो हमें ऐसा लगता है कि आप इस तरह से करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लान किया, फिर उसको एनालाइज किया जो हमारे रिक्वायरमेंट थे वो सारी, फिर हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन अब ये कैसा है कि प्लान, प्लान यानी क्या कि हम सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में अंदर हम जो अपनी जगह होती है, जगह होती है, उस जगह पे हम जाते हैं, उस जगह का हम जो उस जगह के कितनी वीथ है, कितनी कितने स्क्वायर फुट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस आउट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि अच्छा इस तरह का फ्लोर होगा, इतने फ्लोर का घर हमें बनाना है, अपना कस्टमर बोलेगा हमें 5th फ्लोर का घर बनाना है और हर फ्लोर के अंदर हमें एटलीस्ट 3 कमरे तो चाहिए और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मुझे पार्किंग चाहिए और 1st फ्लोर के अंदर मुझे हॉल, ये सारी चीज़ें हमने प्लान आउट जो कस्टमर की नीड्स है वो सुनेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि अच्छा ठीक है ये उसने बोला था, ये चाहिए था उसको, हम एनालिस करेंगे और फिर क्या करता है हम उसको हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन यानी हम उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हम बनाते हैं। ठीक है, डिजाइन फेज के अंदर हम उसका जो पूरा का जो पूरा जो मैप होता है, अगर उसके डिजाइन होते हैं वो हम तैयार करते हैं कि अच्छा ठीक है इस तरह का रूम होगा, यहाँ पे बारी होगी, यहाँ पे किचन होगा, ये सारी चीजें हम जो अपना इंजीनियर होता है वो बनाता है। वैसे ही हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी भी हम ऐसा ही करते हैं, डिजाइन करते हैं कौन कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, कितने वक्त के अंदर ये सारी चीजें बन जाएंगी, कितने लोग लगेंगे, ये सारी चीजें हम डिजाइन फेज में करते हैं। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन फेज आ गया। इम्प्लीमेंटेशन फेज यानी क्या कि जो हमने डिजाइन किया था अब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, जो घर हमने डिजाइन किया था, हमने जो पूरा प्लान किया था
उसके अकॉर्डिंग अब हम पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करना, हम कंस्ट्रक्शन करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन, हम जो हमने सोचा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड देन सब कुछ हो जाने के बाद हम टेस्टिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, इस जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे कि इतनी रिक्वेस्ट आने पे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, उसके अंदर कितनी बैटरी ड्रेन कर रहा है, कितनी स्टोरेज ले रहा है, अगर वो हमारी जो हमने सोचा था उससे नीचे वाले मॉडल में अगर फ़ोन में वो यूज़ हो या फिर हमारे पीसी में यूज़ हो तो वो कितना हैंग होता है, ये सारी चीज़ें हम टेस्टिंग फेज में करते हैं। एंड देन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यानी क्या, मेंटेनेंस यानी हमने जो एप्लीकेशन बना लिया है, हमने घर बना लिया है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है। कई बार हमारी फैन बंद हो जाता है, फैन को चेंज करना होता है, वैसे ही हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें बंद हो जाती या तो फिर कुछ नई चीज़ें हमें ऐड करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम मेंटेनेंस में करते हैं। एंड देन अगेन हम लोग ये पूरा का पूरा सर्कल वापस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में हमें घर बनाया जिसके अंदर 5 फ्लोर थे, फिर कुछ वक्त के बाद उस कस्टमर को ऐसा लगा कि 5 की जगह 6 फ्लोर होने चाहिए, तो वापस हम 6 फ्लोर की प्लानिंग करेंगे, उसके एनालाइज करेंगे, फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड देन हम लोग मेंटेन करेंगे ये सारी चीजें जो है वो, ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है और इसी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा सब्जेक्ट चलता है, इसी फॉर्म में चलता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और घूमता घूमता हमारा मेंटेनेंस पे चलता है, और ये साइकिल पूरी की पूरी फरती ही रहती है जब तक हमारा सॉफ्टवेयर है, जब तक सॉफ्टवेयर डेड नहीं हुआ है तब तक ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं होगी जिसके अंदर ये लाइफ साइकिल बंद हो चुकी है, अगर बंद हो चुकी है इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर अब डेड हो चुका है, ठीक है, इसको हम डेप्रिसिएट बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिलेबस की स्टार्ट करते हैं, सिलेबस में हम चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 14% है, तो करना बहुत ज़रूरी है, इतना वेटेज है तो हमें करना ज़रूरी है। और अगर इंट्रोडक्शन, मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन तो करना ही कर, बाकी सारी चीज़ें आपने स्किप की तो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन आपको कहानी कैसे स्टार्ट हुई वो तो पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है कि द इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का इवॉल्विंग रोल, कैसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ, इवॉल्व कैसे हो रहा है, कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही है, कैसे सॉफ्टवेयर पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आया था वो कैसा था, वो एज ए प्रोडक्ट था और वो एज ए सर्विस दे रहा था, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस ऑन द होरिजन एंड सॉफ्टवेयर मिथ्स। अब ये सॉफ्टवेयर मिथ्स वाला जो है वो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, आपको सॉफ्टवेयर मिथ्स तो आपको करने ही करने, अगर आप ये कर लिया तो चांसेस है कि आप, एक क्वेश्चन तो आता ही, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक ये आता है या तो फिर लेयर टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हम 4 लेयर जो उसके बारे में बात करते हैं, ये टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। फिर अपनी बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के जितने भी मॉडल है वो आपको करने ही करने हैं, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रोसेस मॉडल है, वाटरफॉल, फिर आपका इटरेटिव हो गया, या फिर जितने भी मॉडल्स है, अजाइल मॉडल ले लो, रेड मॉडल ले लो, ये सारे के सारे जितने भी मॉडल्स है, एवोल्यूशनरी मॉडल ले लो, ये सारे के सारे मॉडल्स आपको पढ़ने हैं और ये आपको याद रखने, और इसके जो डायग्राम से ये, अब लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल कौन कौन से, प्रोटोटाइपिंग मॉडल कौन से, रेड मॉडल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ये सारे के सारे प्रोसेस मॉडल के अंदर से आते हैं और इन सारे चीज़ों को याद कर रहे हैं। फिर अजाइल प्रोसेस मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड प्रोग्रेस, ये आपको एक बार देखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, मगर आपको देख लेने अगर आपको स्कोर करना है तो, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर चैप्टर 2 है वो अजाइल डेवलपमेंट। अजाइल डेवलपमेंट जो आज के दिन मोस्टली अजाइल डेवलपमेंट या तो फिर स्क्रम यूज होता है, स्क्रम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अजाइल डेवलपमेंट। ये जो स्क्रम है वो भी हमारा इस सिलेबस में, उसको भी हमें पढ़ना है। अजाइलिटी एंड अजाइल प्रोसेस मॉडल्स जो है वो आप अगर नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अजाइल क्या है, कैसे अजाइल आया। अजाइल इज ए लाइट वेट प्रोसेस मॉडल जो है वो है, ठीक है। उसके अंदर अजाइलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स है, 12 प्रिंसिपल्स है, वो यहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखा है, बट उसके 12 प्रिंसिपल्स जो है अजाइलिटी के वो करना ही होगा क्योंकि वो जरूरी है और वो आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, स्क्रम क्या है, जो हमारा अदर प्रोसेस मॉडल है अजाइल के उसमें स्क्रम क्या है, फिर
और भी कुछ मॉडल्स है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी और वो जरूर है, ठीक है। उसका जो वेटेज होगा 8% होगा, 8% के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या है, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है हर किसी को और मुझे भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एस्टिमेट करना होता है कि कितने अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसके अंदर कितनी चीजें लगेंगी, कितने लाइन ऑफ कोड्स लगेंगे, कितनी कॉस्ट होगी, ये सारी चीजें हम इस जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसका वेटेज है 10%, इसका मतलब 7 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है वो 3 मैट्रिक्स है, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ये इसके क्वेश्चन वेरी रेयरली आते हैं बट आते कभी कभार, तो वो आपको देख लेने एक बार। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग जिसके अंदर एमएस प्रोजेक्ट, ये वाला पूरा का पूरा अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि ये आता ही नहीं है। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, ये थोड़ा बहुत आता है, ये तो एक बार देख लोगे ना कि स्केड्यूल करना क्या है, उसको ट्रैकिंग कैसे करना, ये एक ही बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और जो मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक होता है अगर इस चैप्टर में से किसी को पूछना हो तो वो है कि रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क प्रोजेक्शन, रिस्क रिफाइनमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन, जिसे हम आर आर जो 3 RMPP ऐसा सब्जेक्ट हम बोलते हैं कि RIP 3 RM ऐसा कुछ टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन आता है, मुझे याद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है जो आता ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही। थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, जो हमने लाइफ साइकिल जो देखी थी उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। ये हमारा जो फेस कौन सा है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, उसको गैदर करना है, उसका स्पेसिफिकेशन करना। इसके अंदर से हमारा जो टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पता चल चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट मॉडलिंग एंड देन जो सबसे जरूरी टॉपिक जो है वो हमारा SRS है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, वो थोड़ा बहुत जरूरी है। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट एलिकेशन एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी बहुत जरूरी है, और ये हमारे इतने दो टॉपिक है जो आपको करने ही करने, ठीक है। इसका जो वेटेज है 8% है। अब आगे बढ़ते तो हमारा चैप्टर 5 है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, जिसका वेटेज 10%। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स है तो डिजाइन कंसेप्ट एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स, या अगर डिजाइन प्रिंसिपल का क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछना है या 3 मार्क्स में पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से, तो ये कुछ मॉडल्स है, कुछ डिजाइन के मॉडल्स है वो आपको याद रखने कि आर्किटेक्चर मॉडल डिजाइन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन जिसके अंदर फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये सारी चीजें हैं। इसमें से अगर आपको वेब एप्लीकेशन डिजाइन वाला जो फंडा है अगर स्किप करना तो कर सकते हो, बट एक बार रीड कर जाओ तो अच्छा है, बट इसका एक भी क्वेश्चन अब तक आया है नहीं। एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको देखना होगा कि जैसे कि UI अच्छा होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, रीयूजेबल होना चाहिए, ये सारे जो चीजें हैं वो आप अगर कोर्स मेरा देखोगे तो आपको वे सारी चीजें आपको समझना चाहिए। फिर 6 चैप्टर में चलते हैं तो 6 चैप्टर का नाम है कि सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड टेस्टिंग, जैसे बात किया था कोड करना, हमें कोड करने के बाद हम उसको टेस्ट करें। इसमें कौन कौन सी चीजें, कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोडिंग गाइडलाइंस, कौन कौन से कोडिंग रिव्यू कैसे करते हैं, कोडिंग सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे तैयार करते हैं, एंड देन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो अपना है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर कौन कौन से स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, यूनिट वाली, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर यूनिट यूनिट एक एक यूनिट की बात करते हैं, फिर एक्सेप्टिंग टेस्ट, ये सारी टेस्टिंग जो है टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज जो 4 है वो आपको आनी चाहिए। टेस्ट केस, स्टैट्यूट्स, डिजाइन टेस्टिंग, कन्वेंशनल एप्लीकेशन कौन सी, ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन, टेस्टिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, टेस्टिंग टूल्स, हाँ कभी कभार ये टेस्टिंग टूल्स आ जाते हैं कभी कभार, विंड रनर के बारे में, लोड रनर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स में अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत जरूरी है, उसका वेटेज 50% है। इसके अंदर ना इस चैप्टर 4 चैप्टर के अंदर या तो फिर इस चैप्टर के अंदर भी हम ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल जिसको हम डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना होता है, ऐसे सिलेबस में लिखा नहीं है बट मैंने उस कोर्स में पूरा का पूरा करवाया। अगर आप वो कोर्स देखेंगे तो आपको सारे ड्रॉ करने आ जाएंगे, क्लास बेस्ड डायग्राम क्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी आते हैं, उसके भी क्वेश्चन आते हैं ड्रॉ करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है।
फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो 7 का है कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेंटेन मैनेजमेंट के बारे में, जिसका वेटेज 10% है। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको करने ही चाहिए, वो है क्वालिटी कंसेप्ट एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SRS, SQA हम जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिव्यूज जिसके अंदर फॉर्मल रिव्यूज, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज क्या है, ये सारी चीजें। फिर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसके अंदर से ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछना हो 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है, या तो फिर इन तीनों को कंबाइन करके 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि ISO 900 CMM मॉडल क्या है एंड सिक्स सिग्मा क्या है। सिक्स सिग्मा हम अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल बोले तो मुंबई वाला का जो डब्बा है, टिफिन वाला जो फंड है, वो सिक्स सिग्मा का है, जिसके अंदर जो एरर के चांसेस है वो बिलियंस के अंदर भी कम है, इसलिए हम सिक्स सिग्मा बोलते हैं। एंड SQA प्लान क्या है वो, ठीक है, इसमें से इतने जो क्वेश्चन अगर आप इतने टॉपिक कर जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, जिसका वेटेज है वो 10% है। इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर किस तरह से हम और किस मेंटेन कर सकते हैं, उसके जो टाइप्स है वो है। फिर जो फेवरेट जो हर किसी का है, री इंजीनियरिंग एक क्वेश्चन हो सकता है, री इंजीनियरिंग का हो सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का हो सकता है, या फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, इनमें तीन में से एक क्वेश्चन तो पक्का होगा, 100% होगा। आप लिख के ले, या तो रिवर्स इंजीनियरिंग होगा, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होगा, या तो फिर री इंजीनियरिंग होगा, इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। SCM प्रोसेस, अब ये जो है वर्जन कंट्रोल एंड चेंज कंट्रोल के जो डिफरेंस है वो भी आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर, ये भी बहुत जरूरी है। फिर चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं, जिसको हम DevOps कहते हैं। अब DevOps में ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर भी एक आध दो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हम ओवरव्यू देखेंगे, प्रॉब्लम केस डेफिनेशन क्या है, बेनिफिट ऑफ फिक्सिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंजेस, डेवऑप्स एडॉप्शन अप्रोच थ्रू असाइनमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे जरूरी क्वेश्चन वो आता है कि व्हाट इज डेवऑप्स, डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स दो वर्ड से बना है, एक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, दो वर्ड्स को कंबाइन करके उसकी फंक्शनलिटी है वो है। फिर डेवऑप्स के इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या है, डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस क्या है, ये भी हो सकता है। DevOps क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपेयर टू जो हमने आगे के जो जितने भी मॉडल देखे थे वो हो सकता है। और जो अपना फंडा है कि 7 C's ऑफ DevOps लाइफ साइकिल, उसके 7 C's का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का अगर पूछना हो या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ से आ सकता है। DevOps एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, हाउ टू चूज राइट DevOps टूल्स, ये अगर 2 मार्क्स में पूछना हो वो हो सकता है। चैलेंजिंग विद DevOps ये नहीं हो सकता, इंप्लीमेंटेशन मस्ट डू थिंग्स फॉर DevOps, मैपिंग माय एप्स DevOps ये हो सकता है कि असेसमेंट डेफिनेशन इंप्लीमेंटेशन मेजर्स एंड फीडबैक्स, इसमें से एक क्वेश्चन, या तो फिर ये होगा या तो फिर 7 C's होगा। 7 C's का क्वेश्चन वैसे तो रेयर है, बट अगर पूछना हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। और अपना जो लास्ट है कि वो एडवांस टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज काफी कम है, अगर इस चैप्टर को अगर स्किप करना हो तो मत करना, क्योंकि इसमें से एक ही आता है और इसमें से 3 ही टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3। और ये कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतना इजी है ना, अगर आपने 10th चैप्टर की अगर मेरी वीडियोस देखी है ना तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्किप करना ही नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर को एनालिसिस करना है। अब पेपर को एनालिसिस कैसे करेंगे तो ये देखना है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वो सेम होता है, मतलब हार्डली उसके अंदर से 10 पेपर निकालो आप 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के 5-5 क्वेश्चन निकालो समर और विंटर के, तो क्वेश्चन नंबर 5 को एनालिसिस करो, उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर क्वेश्चन एटलीस्ट 4 या 5 टाइम्स रिपीट हुआ ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं ना। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, वो मतलब क्वेश्चन इतने हैं, इतने में से आप क्यों मतलब गिन के 5 से 10 क्वेश्चन होंगे वो अगर आपने कर लिए, और ये चैप्टर तो आप मेरी ही वीडियो देख लेंगे ना, देन वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आप फाड़ दोगे पेपर को अगर इसमें से आया, इतना आसान है। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं ये कहूंगा कि ऑलवेज किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करो, उसमें से देखो कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखो। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत मजा आया होगा, हम मिलते हैं अपने जो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर स्टार्ट होगा, जो अगर आपने कोर्स बाय किया उसके अंदर हम मिलेंगे, तो मिलते हैं अब सीधा अपने
लेक्चर के अंदर अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आप किसका इंतजार कीजिए, जाके सबसे पहले कोर्स को बाय कीजिए और मेरे साथ इस कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।